को प्यार वाली मिलेगी। प्यार वाला ये वाली तेरा प्यार वाला लेके तू पहाड़ों में जाएगी। ये सारे एक ही बंदे के जानवर है, हाशमी हाउस वाले, हाशमानी हाउस वाले के सब कोई वानी के मैं समझा सेल करने के। अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर, वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज है 19 जून, मंडे का दिन है और आपको गाड़ी की आवाज़ से पता चल गया होगा कि एक ट्रक आया है और ये ट्रक जो है ना वो टैंकर का है। मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि हमारे घर में पानी नहीं आता तो टैंकर ही डलता है। तो अब सुबह सुबह टैंकर आ गया है, टैंकर डलवाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं और आगे आगे। सबसे पहले आप इससे मिलें, ये हमारी म्यू है और इस वक्त म्यू का खेलने का टाइम है क्योंकि ये रात से लेकर सुबह तक खेलती रहती है। तो चलें इसके साथ थोड़ा खेलते हैं, ये डोरी से खेलती है। अभी हम आपको बंदर का तमाशा दिखाते हैं, अगर आपने कभी बंदर का तमाशा नहीं देखा तो आप देख लें। अगर इसको डोरी नहीं दो ना तो फिर ये बिल्कुल बंदर बन जाती है। ये देखें आप इसकी आवाज़ चेक करें। तो हम आपको दिखाते हैं कि टैंकर भी डल रहा है। और ये सुबह सुबह के टाइम पे हमारे जानवर, हमारा खरगोश जो है वो बाहर आ गया है पिंजरे से, तो ये बंदा भागेगा। सब पिंजरे में बंद हैं जानवर अभी, इसलिए चीखे मार रहे हैं। तो जैसे ही इनका दरवाज़ा खुलेगा ना ये बाहर आएंगे। ये जब म्यू का खेलने का टाइम होता है ना तो इसको खेलने का दिल कर रहा होता है तो यहाँ हाँपता रहता है बैठ के। ये देखो हाँ, अपना जबान निकल निकल के, जबान निकल निकल के। और ये जो इसकी पोजीशन होती है ना, ये भागने की होती है। अब ये भागेगा, ये देखो भागा। परिंदों को पकड़ने के लिए भाग गए ये। अभी हम आ चुके हैं तारिक रोड पे और सामने डॉल्फिन मॉल है और जो है अभी हम जा रहे हैं काशी स्पॉलर पे। तो फिर डॉल्फिन मॉल आएंगे क्योंकि अभी हम आए थे लेकिन जो है वो दुकानें बहुत कम खुली हुई हैं। तो अभी हमें मॉल में जो है काफ़ी दुकानें बंद मिली हैं, इस वजह से हम अभी काशी स्पॉलर पे जा रहे हैं। वहाँ से हमें कुछ मालूम लेनी थी और कुछ ट्रीटमेंट करवानी थी और फिर हम दोबारा आएंगे मॉल। हम पहुँच चुके हैं काशी ब्यूटी पार्लर, गिरा काशी, और सामने जो है रोज़ ब्यूटी पार्लर है। तो अब बस अंदर चलते हैं। हमने ये लिया साथ में जूस सत्तू का, और ये जूस
पहुंच के फिर आपको दिखाते हैं। इसलिए बन चुकी है रोज़ पार्लर पे। अब हम जा रहे हैं ऊपर ट्रीटमेंट के लिए। यहीं सेंटर है, यहीं सेंटर है। यार मुझे तो अभी हम पार्लर से निकल चुके हैं और हम आए हैं मैकडॉनल्ड्स पे। अच्छा मेरा मोबाइल भी अच्छा है क्योंकि ब्लॉग तो इससे बन रहा है। इससे बन रहा है उसका नाम मुझे बताना क्या बोलते हैं। ड्राइव थ्रू। हाँ ड्राइव थ्रू के जरिए जो है हम अभी हम लेंगे। देखते हैं कि हम क्या लेते हैं। पहले मेनू देख लेते हैं। 730 का क्रिस्पी बर्गर है, 900 का बर्गर है, फ्राइज 200 के हैं। भाई वापसी का रास्ता कहाँ से है? जैसे चढ़ जाते हैं तो जिंदा बर्गर क्या बैग करो पापड़ ले लो वापस। जिंदा बर्गर 1150 है। अच्छा हमारे मेहमान में 350 का मिलता है। बिरयानी है इनके पास क्या? वो खिड़की में से हम नहीं ले गए। खिड़की में से अंकल ने हाथ निकाला है कि आपको क्या चाहिए। अंकल ने आंटी है शायद। बर्गर ले लो बर्गर, यहाँ का बर्गर अच्छा होता है मैंने देखा। नगेट्स या नगेट्स ले लो। चलो वो सामने है ना। बाइट अगर मतलब 1 बाइट 295 की 10 pieces 295 का McDonald's bites। भाई सही है ये ले लो। नौ पीस होंगे और 970 के। 970 के भाई सही से देख लो क्या रेट है। हाँ देखो 9 pieces सीखा है 970। बाइट अगेन खा लो भाई। चलो चलो यहाँ से ना। चलो भाई अब यहाँ से हम लेंगे McDonald's से क्या 20 दे देंगे। हाँ मेरे ख्याल में वेटिंग में जाके वेटिंग करना पड़ेगा। यही बंदा हमारे पास आए। हाँ ये लड़का आएगा ना, ये पूछेगा ना आपको क्या चाहिए, अपनी पर्ची दिखाएं। चला गया वो बंदा आगे जा रहा है। अरे ओए भाई, अरे भाई बेइज्जती लेवल प्रो लेवल। हाँ हाँ मुझे पता चल गया, वो खिड़की में से शायद मिलेगा। खिड़की में हम ओ लेडीज आ गई, ये देंगी हमको। आंटी कहाँ जा रही हैं? क्या मसला है? क्या कहा, कह दिया मिस मैम ने। ये आंटी आ रही, मुझे लगता है यही आएंगी हमसे स्लिप लेने। अब ये हमें ला के देंगी, देखना यही है। आंटी इधर देखें आंटी। हाँ ये अंकल है। अरे इनको पता कैसे चला कि हमारे पास स्लिप है और हम ही वो लोग हैं? अरे कैसे पता चला इनको? दो थे। अरे अंकल ओ एक्सक्यूज मी, दूसरा साला भी हमारा ही है। आप ही, तुम्हारी तो हालत खराब हो गई। ये देखें आप, ये हमने 600 रुपए का ये लिया है। ये हाफ बाइट है। ये देखें 600 रुपए का ये लिया है हमने। बहुत बड़ी चीज है, नजर भी नहीं आ रही। ये हाँ भाई केचप भी है, केचप भी है। हाँ भाई ये भी है। ये 600 रुपए में ये निकला है। अरे रख लो संभाल के, लगा देंगे दीवार पे। अरे खोल लो केचप, थोड़ा फायदा हो जाएगा। अभी कहाँ जाना है? अब कोई ढंग के रेस्टोरेंट चलो। ये तो हो गया मजाक। शॉपिंग करनी है ना हमने। पैसे रोड से करनी है, कहाँ से करनी? यहीं से करनी है, हमें तो दूर यहाँ तक इसलिए। हाँ यार पीछे है ना सारे रेस्टोरेंट जहाँ से हम आए थे। हाँ ये सब टेस्ट बताओ कैसा है। टेस्ट कैसा है? दोबारा बताना ना, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। मैंने जल्दी से 4 खा लिया। हाँ भाई हमने खा लिया है। 5 खा ली होंगी। ये मैकडॉनल्ड की मिनी बाइट चिकन भाई ये। और अब हम आपको दिखाते हैं। मैं आपको दिखाऊं।
आइए आइए, ये ले मोबाइल ले जाए मेरा आप। अच्छा, हम खुद ही आ जाएं। कोई बंदा तो नहीं होगा? नहीं भाई, नहीं, आ जाओ। तो हमने रास्ते में देखा, यहाँ पे क्या देखा हमने? हमने फार्म देखा, हॉल देखा। हॉल हमें लगा कि यहाँ शादी हो रही है, लेकिन जब हम इधर आए तो हमें पता चला भाई शादी वादी नहीं हो रही इधर ना, पूरी गायें ही गायें खड़ी हैं और बिल्कुल शादी वाला सीन है। इमला लगा बना रहा हूँ नकाब और सोफे भी डले हुए हैं। तेरी किसको क्यों मारा? तो बड़े बड़े जानवर बेचने की है या किसी की है? कारपेट बिछी हुई है। ये सारे एक ही बंदे के जानवर हैं। हाशमी हाउस वाले, हाशमानी हाउस वाले के सब कोई बानी के मैं समझा सेल करने के। निशान लगा इसको दवा लगी है। ये कितने मानी से क्या हुआ? अब मैं तुझे पहले बोलती कितने मानते हैं ना। ये तो ऐसा गुस्से वाला लग रहा है, अकेले भी नहीं है। आगे तो नहीं आएगा यार, उसको तो काफी ज्यादा लग गई है। हाँ, तो ना बड़े बड़े कट लगे हुए, डर लग रहा है। इसको तो तीन चार थे बस, ये गुस्से भी है। और ये ऑस्ट्रेलियन है ना, इसकी आंखें देखो। हाँ, ये कैसे भागे होंगे ना ये निकल के। अल्लाह, एक ही साइज के सबसे हैवी वाला है। आसमानी वाले कौन है ये? ये भी बहुत बिल्डर है। इन सब पे ये रखे हैं पीछे से। ये रो रहा है, देखो ये रो रहा है। मैं चुप कर रहा हूँ, मुझे रुला देगा भाई। वो है वो कमाए वाला, ब्राउन वाला ना। ये भी बहुत खूबसूरत यार। ये बड़ा जानवर है ये, सो ये ज़्यादा बड़ा है। ये नीचे से ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे, देखो उसका पेट नीचे हो गया। ये आसमानी बिल्डर्स वालों के सारे जानवर आए हुए हैं, बहुत बेहतरीन किस्म के। आसमानी हाउस, हाशमानी हाउस, हाशमानी नहीं बिल्डर्स बोलो। देखो डॉलमेन मॉल पे हम पहुंच गए हैं, अभी हम जा रहे हैं अंदर पार्किंग में। हम पहले गाड़ी खड़ी करेंगे पार्किंग में। गाइस ये हम हैं, ये हमारा डॉलमेन मॉल है और हम शॉपिंग करने आए हैं। शॉपिंग क्या बोल रहे हैं? तू जो चाहते है तुझे वही मिले। इनको याद कौन कराता है, समझ नहीं आ रहा। चलो थोड़ी देर बातें कर लेते हैं। इतनी उम्र पकड़ दुआएं दो पहले। तेरे को प्यार वाली मिलेगी, प्यार वाला, ये वाली तेरा प्यार वाला लेके तू पराडो में जाएगी। पराडो पराडो नहीं नहीं, वीवो। कौन सा गाड़ी वाली? वीवो। अच्छा वीडियो में जाएगी। वीवो रीवो ठीक है, ले लेना यार। मुझे तो ना वो गाड़ी पसंद है जिसकी ना छतरी खुलती है और वो छोटी लैंड क्रूजर है। हाँ, है ना हाँ, वो जो स्ट्रॉबेरी स्मेल में उसके पास थी। हाँ, बहुत तो स्ट्रॉबेरी स्मेल देखी थी आप हमको फ्राइड राइस बहुत वेफर बार। ये क्या मौसम दिख गया यहाँ पे, इतना कुछ मजे का वो है ना, एक केक बनाते हैं ये बहुत बहुत मजे। क्या वेफर बार? क्या वेफर बार ये लगा? चलो हम पहले खाना खा लेते हैं फिर आप ही वेफर बार से हमें कुछ दिला दीजिए। चलो आप 5 बजे दिला दीजिए। जो अच्छे लग रहे हैं वो हमें वो खिला सकता है। हम ऐसा नहीं है हम नखरे करेंगे, नहीं ये नहीं है वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दाल चावल हम फ्राइड राइस भी खा सकते हैं। यूसुफ को अगर बिरयानी नहीं खानी है तो हम यूसुफ की खुशी के लिए फ्राइड राइस खा सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं, हम नखरे नहीं कर रहे। तीन चिकन रोल 600 रुपए के। चलो चिकन रोल ले लेते हैं, ऐसा नहीं हो रहा। चिकन रोल में भी रोटी है, जो जो हमें जो खिलाएगा हम वो खा लेंगे। भाई तुम क्या खिला रहे हो?
अगर तुम हमें जूते भी खिलाया जाता तो खिला दो, हमें हमें चप्पल ही आ जाएगी हमारे पास, हमें वैसे भी लेनी है। अगर तुम से हाँ खिलाता रहो घुमा घुमा कर, यही लग रहा है मुझे, नहीं इतनी प्यारी लग रही है लीची, फूड स्टाइल से रखी है। कहाँ कलर की है? कहाँ है ओपीटीपी? यार मुझे तो ना बस वजह के रेस्टोरेंट जाना है, अब बहुत हो गया इधर उधर का। वाहिर है यहाँ पर, यह पान वाली जिले का बराबर में। हाँ यहाँ पर जलता हुआ पान होने लगता है। हाँ मुझे पता है इसके बारे में, इसके मुंह में भी रखा था और वो इसने वीडियो भी बनाई थी। कौन रिस्क लेना चाहेगा ये? चलो यहाँ सारे होटल छोटे हैं। हाँ तो कहाँ रुक रहे हो तुम, क्या खिला रहे हो? वाह हमें तो पता ही नहीं था। कोई आलम, हाँ आलमगीर आ गए क्या? अरे भाई हम कितना दूर आ गए। नहीं पहली बार तो बता तुम्हें यहाँ से बहराम लिए थे ना। हाँ यार यही दुकान थी जहाँ से हराम लिए थे, यही दुकान थी और यहीं खड़े हुए थे। बात है 2016 की, जब हम लोग कितने छोटे होते थे, हमारी गाड़ी उस तरफ खड़ी हुई थी मुझे याद है, रोड पार करके आए थे हम और इधर रेस्टोरेंट में खाना खाया था ऊपर, ये भी याद है। हम इंशाल्लाह जरूर हज पे जाएंगे फिर, क्योंकि हम दोबारा जगह पर आए और हज के दिनों में। तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, लंच टाइम हो चुका है। खाने आए, इसकी वीडियो जो है ना बनाई और जब खाना आया तो वीडियो बनाना ही भूल गई मैं। अब भाई हमने ये खाया था, बिरयानी खाई थी, एक बोटी बच गई जो हम मियो के लिए ले जा रहे हैं और ये सब खाना हमने खा लिया। अरे बोटी कुछ में डाल सकते ना? हाँ सही, इसमें डालो। बोटी में कैसे पागल लोग हैं, बोटी भी लेके जा रहे हैं, साया पे था वो। हाँ ऐसे था ना, मुझे लग रहा है बेचारे बेचारे स्ट्रॉबेरी का रंग पड़े पड़े चॉकलेटी बन गया, शायद क्रीम सा हो गया। कॉफ़ी भाई देखो, ये गला बड़ा होगा, ये बंद हो जा रहा है से बस। वो गए वाली उठाएगा नीचे रहती तो ज़्यादा यही रहती है, मैं चप्पल ही देख रही हूँ। सैंडल टाइप भी लग रही है और ताकि तुम लोगों को भी आसानी हो ना, तुम से पहन के निकल जाए तो मैं कल खाना खाने गई हूँ। देखो पाँव आ गए तो गाइस, अभी तक हमने साया से और फर्स्ट स्टेप से और बुनेंजा से ये कुछ शॉपिंग की है और अब जो है हम जा रहे हैं एटीएम से कैश निकलवाने। शॉपिंग हमारी डन हो गई और अब हम आए हैं शरबत पीने के लिए ठंडा ठंडा और बस यहीं पे हम अपने व्लॉग को करते हैं एंड, क्योंकि हमारा जो है ना मोबाइल की बैटरी लो हो चुकी है तो व्लॉग नहीं रहना चाहिए, इसलिए ऐसे शरबत बनाने की वीडियो दिखाते हैं आपको। कितने पैसे बना?
ले लो। अंदर भी रख दो। तो बस यहीं पे हम करते हैं अपने व्लॉग का एंड। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।